Hello students, this is 15th unit of class 9th NCERT book, which is probability. So, start करने से पहले मैं probability के बारे में एक छोटा सा introduction देना चाहूँगा. Probability is a very interesting part of mathematics. It is a very interesting branch of mathematics, जहाँ पे हम chances के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज़ के होने के और ना होने के. अब इसका जो ओरिजिन है बहुत इंटरेस्टिंग है. कुछ टाइम पहले जब लोग बाग गैम्बलिंग करते थे, गैम्बलिंग मींस जुआ, तो कुछ लोग जुआ खेलते थे और उस टाइम पे कुछ मैथमेटिशियंस ने अपना दिमाग लगाया कि ये जुए में जो भी होता है, फॉर एग्जांपल जुए में गेम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज करके आप मनी अर्न करते हो, तो उसमें गेम्स होते थे कार्ड्स रिलेटेड, कार्ड्स अपने ताश के पत्ते, जिसमें अपने पास नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52. ऐसे ही कुछ गेम्स होते थे जिसके अंदर डाइस पासा इंक्लूडेड होता था, जिसके अंदर सिक्स नंबर्स होते थे, फिक्स नंबर्स होते थे जिनको फेंकने पे आपको मनी मिलता था, फिक्स बेट लगती थी, शर्तें लगती थी. ऐसे कुछ मैथमेटिशियंस थे जिनका दिमाग चला कि ये जो भी है, कार्ड्स ले लो, डाइस ले लो या कुछ भी ले लो, ये सब चांस पे डिपेंड करता है. कितना चांस है किसी भी चीज़ के होने का, उस पे डिपेंड करता है कि मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं. तो क्या इस चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो उन्होंने दिमाग लगाया और इतने एक्सपेरिमेंट्स किए कि अल्टीमेटली उन्होंने बहुत बहुत ही वैलिड रिजल्ट्स प्रूव किए, जिसको देख के उन लोगों ने गैम्बलिंग के पीछे की मैथमेटिक्स को समझा. और ये एक रेवोल्यूशन था जब प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन हो चुका था. अब प्रोबेबिलिटी बात कर रही थी चांसेस की, किसी भी चीज के होने के और ना होने के. धीरे धीरे ये ब्रांच इतनी इवॉल्व हुई कि स्पोर्ट्स ले लो या वेदर फोरकास्ट ले लो, स्टैटिस्टिक्स ले लो, ऐसे कई फील्ड्स जहां पे चांसेस की बात होती है वहां पे प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ. और वहीं से हम लोग सीखना शुरू हुए और समझना शुरू हुए कि हमारे अराउंड सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होती है उन सब के होने के फिक्स चांसेस होते हैं और ना होने के, और अगर हमें पता पड़ जाए तो हम लोग कई डिसीजंस इफेक्टिवली ले सकते हैं. खैर बहुत आगे की बातें हैं. यहाँ पे 9th क्लास में हमारे पास जो है एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी का, तो एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे डील करती है मैथमेटिक्स में हर एक सिचुएशंस में. हम बहुत नंबर ऑफ सिचुएशंस देखेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको रीड करते हैं. इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्लेस. एक क्रिकेट मैच में किसी बैट्समैन ने 6 टाइम्स बाउंड्री हिट करी और उसने 30 बॉल्स खेले थे. Find the probability that she did not hit a boundary. हमें probability निकालनी है कि उसने boundary hit नहीं करी उसकी कितनी थी, उसके कितने chances हैं. तो सवाल को थोड़ा conclude करते हैं कि कोई batsman है जो कि boundary मार रहा है 30 balls में से 6 बार, मतलब 30 ball उसने खेली है तो 6 बार उसने boundary hit करी है, तो उसके boundary ना hit करने के chances कितने हैं? तो इसको हम देखते हैं. हम इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स शी हिट्स द बाउंड्री 6 टाइम्स, 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट करी है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड 30, ये हमें पता है कि उसने 30 बॉल्स खेली हैं. अब ये हमें क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि हमारे पास एक फिक्स फॉर्मूला होता है. उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि उसने कितने टाइम बॉल्स हिट नहीं करी, बाउंड्री हिट नहीं करी. तो नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्समैन डज नॉट हिट द बाउंड्री इज 30 - 6. कितनी बार नहीं करा? 30 - 6 दैट इज 24. 24 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं करी, 6 टाइम्स हिट करी है. तो इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है जो प्रोबेबिलिटी का है, जो कि मैंने बताया कि मैथमेटिशियंस ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि हमें जो चाहिए आउटकम और कितने आउटकम्स हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमें आउटकम क्या चाहिए, शी डज नॉट हिट द बाउंड्री, उसके कितने चांसेस थे? 24. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे? 30, क्योंकि 30 में से 24 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं करी. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब
हमारे लिए जो क्वेश्चन में फेवरेबल पूछा गया है, हमारे लिए क्या पूछा गया है, डज नॉट हिट द बाउंड्री, दैट इज 24. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल इज ऑलवेज 30. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आवर वैल्यूज विल बी 24/30. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा आपका 4/5. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये आपके होने के चांसेस है, यानी कि हर 5 में से 4 बार वो बाउंड्री हिट नहीं करेगी, डज नॉट हिट द बाउंड्री, और एक बार वो बाउंड्री हिट हो जाएगी. दैट्स इट.